वेलकम डियर स्टूडेंट्स एज वी आर डिस्कस अबाउट द मार्कलॉजी ऑफ द लीव सो टूडेस अबाउट्स ऑफ लीवस जनरली कैटेगोराइज इंटू द टू टाइप्स लीवस आर एज पट एंड दैलमेट जब हम लीवस को लीव शेप के बुनियाद पर या हम कहेंगे लेमिना या लीव लेट्स की बुनियाद पर जब हमको क्लासिफाई करते हैं तो जनरली दो टाइप्स के लीव्स हमारे पास होते हैं

जिसका एक सिंगल वेन होता है और मिड रिब होती है उसको हम सिंपल पिनेट लीफ कह सकते हैं लाइक दिस ये आप देख लीजिए यहाँ पे ये बीच में जो है दिस इज द मिड रिब, जो है आप देखते हैं यह वेन हम इसको कहेंगे इस टाइप की जो लीफ है पिनेट लीफ उसको हम सिंपल पिनेट लीप बोलते हैं एंड इन लॉर इज आर इफ द लीफ इज कंपाउंड देखिए अगर लीप जो है वो उसके बीच में एक मैन एक्स जिसको हम रैक्स बोलते हैं तो इस टाइप की लीप को हम कंपाउंड लीप कहते हैं यहाँ पर जो कंपाउंड लीप होती है जब उसको आप गौर से देखेंगे इट लुक्स लाइक अ फिदर ये फिदर की तरह होती है जैसे चिकन्स वगैरह के या बर्ड्स के वो पर होते हैं इट इज जस्ट लाइक दैट इस टाइप की लीप को हम कंपाउंड लीव कहते हैं और इसकी जो मेन जो एक्सिस होती है दिस इट्स इसको हम रैक्स बोलते हैं नाउ द टाइप्स ऑफ पिनेट लीव अब इसके हम टाइप्स देखते हैं किसके पिनेट लीव्स के डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन पिनेट लीव में जो पड़ते हैं लीव के अंदर ये देखिए लीफ के अंदर जो ये क्या बोले हम कि वो क्रॉस जो पड़ते हैं ये या ग्रूज जो पड़ते हैं कट्स जो पड़ते हैं उनकी बेसिस पर पिनीट लीव जो है इसके तीन टाइप्स है फिट है जब ये ग्रूज जो है ये इनसेशन जो है जब ये हाफ तक होती है अप टू दाफ हाफ तक इस टाइप की जब पिनेट लीप हो तो उसको हम बोलते हैं फिड पैटिक पैटिक कौन सी है मोर देन हाफ जब हाफ से ज्यादा हो लेकिन रेक्स को भी टच नहीं कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं पै पैटिक पैटिक देन सेक्ट सेक्ट किसको बोल आफ्टर नियर द बेस और मिड रिप बिल्कुल बेस या मिड रिप तक ये देखें ये पूरी ये लीफ है अब लीफ डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है ड्यू टू तो द इंसिजन इंसिशंस की वजह से ये सेगमेंट्स में बन जाती है अगर ये सेगमेंट हाफ तक है तो हम कहेंगे इट इज़ फिट अगर ये बिल्कुल हाफ से हम कहेंगे ज़्यादा ही है लेकिन मिड रिप को टच नहीं करते है मेन एक्सिस को टच नहीं करती हम बोलते इट्स पॉटिक अगर ये पूरी मिड रिप को टक टच करती है यानी लीव को छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम करती है देन इट्स कॉल्ड सेक्ट उसको हम बोलते हैं सेक्ट सिंपल है यानी इसके भी दो टाइप है। आपने पिनेट में दो टाइपें देखी है अब अब पेलमेट में भी दो टाइपें आपको नजर आएगी, सिंपल एंड कंपाउंड अब पैलमेट लीव सिंपल किसको बोलेंगे उस पेलमेट लीव को विच कंटेन्स नंबर ऑफ प्रिंसिपल अगर उसमें तो मैन एक ही थी पिनेट में यहाँ पर अगर ज़्यादा जो है ना ये ज़्यादा निकलती है उसको हम बोलेंगे सिंपल पैलमेट लीव इफ़ लीप लेटर्स डायरेक्टली बॉर्न और द टिप ऑफ द पीटीओल तो उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड अगर आप पिटियोल का जो टिप है लीप स्टॉक जो है जहाँ से लेमना शुरू होता है अगर वहाँ से ये मतलब बहुत से क्या बोलेंगे कि लीप लेटर्स जो है ना वहीं से निकलते हैं जैसे इसमें ये स्टॉक है पीटीओल है ये इसका टिप है यहाँ से ही प्रिंसिपल मीन इस टिप से निकलती है

Types, leaf types of continue leaves are of generally two types on the basis of the shape of lamina that is simple and the compound. A bud is present in the axil of in both simple and compound leaves but not in the axil of leaf lattice of the leaf lattice of the compound leaf. A bud is present सिंपल एंड कंपाउंड बड़ इज प्रेजेंट इन द एगजल ऑफ द पीटियोल इन बहुत सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब दोनों लीव्स के अंदर जो पीटियोल की पोजीशन होती है वहाँ पर एक बड़ प्रेजेंट होता है बट नॉट इन द ऑफ़ द लेट्स लेकिन जो लीप लेट्स निकलते हैं वहां पर आपको बर्ड्स नजर नहीं आएंगी यानी हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये मैं हम कहेंगे कि पिटियोल जो है पिटियोल की जो यानी जहां पर ये स्टेम के साथ टचड होता है वहां पर आपको बर्ड्स नजर आएंगे। लेकिन ये लीप जो है इन लीप लेट्स की एग्जूशन पर आपको बड़ नजर नहीं आते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ये करेक्ट हम कहेंगे ये पीने के जो लीव है, इनका ये करेक्टरिस्टिक फीचर है उसे हमें पता चलता है कि ये लीप लेटर जो है ये लीव्स नहीं है बल्कि ये लीप लेटर्स है और ये पूरा जो जहाँ हम पर हमें बढ़ नजर आता है वहां पर हमें ये पता चलता है कि वहां तक जो है ये पूरा लीफ होता है नॉट अ सिंपल लीफ अ लीप इज सेट टू बी सिंपल वेन इट्साइज इन ट इन सीजन डू नॉट टच मिड रिप यानी सिंपल लीफ मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है एक ऐसी लीफ होती है जिसका जो लेना जो है उस वो तो यहाँ पूरा होता है पूरा लेमिना होता है यहाँ पर आप देखिए यहाँ इसमें इन, ये इनसाइजर है इसमें छोटे छोटे वो क्रॉस पड़े हैं द इंसीजेंस डू नॉट टच द मिड रिप लेकिन ये इंसिजेंस जो है ये रिप को टच नहीं करते कंपाउंड में ये टच करते हैं लेकिन सिंपल लीप में ये टच नहीं करते हैं और कंपाउंड लीफ के अंदर अ लीफ इज सेट टू बी कंपाउंड वेन द ऑफ़ द लेमना रीच अप टू दिडरी ब्रेकिंग इट इन टू नंबर ऑफ लीफ लाइट्स जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया है मैंने इसको फिर रिपीट किया है आपके लिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ लीजिए कि सिंपल लीफ क्या है और कंपाउंड लीफ क्या है ये सब हमने डिस्कस पहले ही किया है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा लीफ है यहां से यहां तक और ये इसमें कट्स पड़े हैं और यह लीफ लेट और ये रैक्स है बीच में जिसको मैंने बोला है इसी तरह जो ये पोषण होती है ये स्टिपुल है स्टिपुल आप जानते हैं ये लीफ भी है बेस पर निकलते हैं यहाँ पर बडस भी निकलते हैं एंड दिस इंडिकेट्स कि दिस इज द ओनली वन लीप ये चीज इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टल हियर एंड द ऑफ बर्ड्स हेयर ये कन्फर्म करती है कि एक ही है इट इज़ नॉट डिवाइडेड इन टू द डिफरेंट सेगमेंट्स। लेकिन जब हम ये इस, ये ये चीज़ें देखते हैं ये लीप नहीं है ये लीप ये सेगमेंट है बिकॉज अगर यहाँ पर बर्ड होता है यहाँ पर स्ट्रपूल होता है यहाँ पर तब हम जानते हैं कि यह अलग अलग लीव्स है ये इसी तरह यहाँ पर आप देखिए यह स्टिप्यूल्स है बर्ड यहाँ पे होता है दूसरी जितनी भी ये पोजिशन ग्रोइंग पोजिशन आपको नजर आती है वहां पर कोई बर्ड भी नहीं है कोई स्टिप्य भी नहीं है इसे पता चलता है कि ये लीप नहीं है बल्कि लीप के हैं। Now, as नो दैट इन in कंपाउंड compound द the और ब्लेड इज is completely divided into many segments और यूनिट्स इनको हम लीप लेट्स कहते हैं पिना ये लीफ जो है ये यूनिट जो सेगमेंट्स इसके है ना इनको हम क्या बोलते हैं पिना ये जो ये सेगमेंट्स इनको हम पिना बोलते हैं पोर्शन ऑफ लीफ एक्सिस इट इज नोन एज रैक्स और ये लीफ लेट्स जहां पर मेन लीफ के साथ अटैच है इसको हम रैक्स बोलते हैं बीच की जो मिड रिप लाइक दैट इसको हम रैक्स बोलते हैं इफ लीफलेट्स और बॉर्न डायरेक्टली ओवर द रैक्स टिप ऑफ द लीफ इट इज कॉल्ड पिना अगर ये रेक्स से डायरेक्टली लीफलेट्स निकलते हैं हम इनको पिना बोलते हैं क्या बोलते हैं ये मेन रैक्स है जब मेन रेक्स से लीफलेट्स निकलते हैं तो इनको हम बोलते हैं पिना ये देखिए इंडिविजुअली इनको जो डायरेक्टली रेक्स मेन रेक्स से निकलती हैं एक इनको पिना बोलेंगे अब देखिए दूसरी कंडीशन ए बोरन और सेकेंडरी और टर्शरी एक्सिस इट्स नोन एज पिन्यूल इनको हम पेन्यूल कहेंगे कब जब ये कहाँ से निकलेंगे जब ये प्राइमरी या ये देख सॉरी जब ये सेकेंडरी या टर्शरी दिस इज सेकेंडरी या प्राइमरी है मैं एक्सिस उससे जो निकला वो सेकेंडरी है इस पर ये ये इनको बोलते हैं पिन्यूल्स जो किस पर सेकेंडरी पर निकलते हैं लेकिन जब ये ये सेकेंडरी है जब इनसे कोई ब्रांच जैसी निकलती है एक मेन एक्सिस इससे निकलती है फिर उससे जब निकलते है, उसको बोलते हैं टर्शरी उस पर जो लीफलेट्स होते हैं उनको बोलते हैं पिन्यूल्स क्या बोलते हैं उनको पिनुल्स हेयर यू कैन सी यहाँ पर देखिए आप इस डायग्राम में ये जो है दिस इज अ प्राइमरी ये प्राइमरी एक्स या प्राइमरी एक्स है इससे जो निकलती है दीज आर सेकेंडरी या आप देखिए सेकेंडरी और उस सेकेंडरी से जो निकलते हैं द उनको हम टर्शरी बोलते हैं जो उससे निकलते आप देखिए यहाँ पे कि ये जो है इससे एक और एक्सिस निकली है और उस एक्सेस से ये लीप लेटर जो है दीज आर दर्शरी लीप लेट या इनको हम पेन्यूल कहेंगे सेकेंडरी वालों को भी हम पेन्युल्स बोलते हैं और टर्शरी वालों को भी हम पेन्यूल्स बोलते हैं लेकिन जो प्राइमरी से डायरेक्टली निकलते हैं जो अपने लास्ट एग्राम में देखें तो उनको हम बोलते हैं पिना अब बात है हाउ टू रिकोगनाइज अ कंपाउंड लीप ए कंपाउंड लीव को आप कैसे इजीली रिकोगनाइज कर सकते हैं कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे आप बताएंगे कि ये लीप जो आपके हाथ में है क्या ये कंपाउंड लीप है या सिंपल क्या ये सिर्फ एक लीफ है या ये लीफ लेट्स है देखिए इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आप नोट कीजिए प्रेजेंस ऑफ स्टिफ्यूल एट द बेस इसकी बेस जो है दिस इज द बेस इस बेस पर आपको स्टिफ्यूल नजर आते हैं जो आपके हाथ में लीफ है उसकी जो नीचे जो मेन रैक्स के नीचे जहां पर स्टेम के साथ मिला है वहां पर आपको स्टिफ्यूल नजर आएंगे नंबर टू इन इट्स एक्सल यही इसी पोजिशन पे आपको बड भी नजर आएगा स्टिपुलस के के साथ like के साथ एक बड भी नजर आएगा वो भी दिखाता है कि ये पूरा जो आपके हाथ में इतना बड़ा लीप है ये लीपलेट है ये कंपाउंड लीप है एबसेंस ऑफ टर्मिनल बड इसके टिप पर कोई बड नहीं है टर्मिनल बर्ड नहीं है देन ऑक्रफ लीपलेट इन ए सिंगल प्लान आप देखिए एक ही सिंगल प्लेन में ली प्लेट्स है देन डेवलपमेंट ऑफ ऑल द ली प्लेट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली अब देखिए बिल्कुल यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी ली प्लेट यहाँ से भी साइमल्टेनियसली सारे ली जो है इस एक्सिस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं ये करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि ये लीव जो हमारे पास है ये लीव लीव्स जिनको हम पहले कहेंगे देखते ही ये असल में लीव्स नहीं ये लीप लेट है दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल एक लीप वो है जहाँ स्टिप्यूल है वहाँ से ये लीप है बड इन बारिट एक बड होना चाहिए एबसेंस ऑफ टर्मिनल बड टर्मिनल बड नहीं होना चाहिए और लीप लेटर जो है वो सिंगल प्लेन में होने चाहिए द द एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीप लेट्स ऑलमोस्ट से तो इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स जिसको हम आगे पढ़ लेंगे वो आगे कर लेंगे यहाँ तक हमने इसको आज पढ़ा है आप इसको फिर देखिए ये बड़े इंटरेस्ट टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दी इज द सिंपल एंड द कंपाउंड लीव्स थैंक्स